नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल लेटेस्ट न्यूज़। तो लेटेस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जितने भी BTUP के छात्र हैं उन सभी छात्रों के लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। गाइस मैं आपको बता दूं, कल के वीडियोस में बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सर रिजल्ट कब तक अपडेट होगा या रिजल्ट अपडेट होगा तो किन छात्रों के नंबर्स बढ़ेंगे, किन छात्रों के नंबर्स घटेंगे। तो आज इसके विषय में प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ मैं आप सबको। एंड मैं आपको गाइस बता दूँ कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है और इस दिन से हो सकता है बैक पेपर। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस आप सबको कंटिन्यू वीडियो में बने रहना है ताकि मैं आप सबको प्रॉपर गाइड कर सकूं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आपको एक चीज कंप्लीट पहले बता दूं, यहां पे आप देख सकते हो। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट मैं आपको जितने भी फाइनल ईयर के रिजल्ट आए हैं तो बहुत से कल कमेंट आया कि सर कि फाइनल ईयर का रिजल्ट जो आया है उसमें क्या रिजल्ट कब तक अपडेट हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, आपके रिजल्ट जब भी अपडेट हो पाएंगे अब एग्ज़ाम के बाद ही हो पाएंगे। एग्ज़ाम 24 को आपका ख़त्म हो रहा है, 24 को जैसे आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है वैसे 25-26 तारीख को आपके रिजल्ट अपडेट किए जाने के 100% चांसेस हैं। तो गाइस एंड मैं आपको बता दूं, अब की अगर मान लीजिए रिजल्ट अपडेट होता है तो किन छात्रों के नंबर्स बढ़ेंगे या किन छात्रों के नंबर घट जाएंगे। तो एक चीज़ मैं आपको सिंपल में बता दूं, अगर रिजल्ट अपडेट होता है तो जिन छात्रों के जितना ही नंबर थे उतना ही नंबर रहेंगे, लेकिन जिन छात्रों को एक से लेके दो नंबर तीन नंबर से इनको बैग लगा है उनका शायद क्लियर हो सकता है, क्लियर हो भी सकता है। मेरे को जहाँ तक उम्मीदें हैं अगर एक नंबर दो नंबर तीन नंबर से आपको बैग लगा है तो आपका क्लियर हो सकता है। एंड अगर मैं आपको बता दूँ, आप 11 से लेके 15 के बीच में हैं तो आपका नंबर्स आप कितना भी कुछ भी कर लें आपका रिजल्ट वही रहने वाला है, कोई इशू नहीं आएगा। एंड जिन छात्रों के नंबर अच्छे आए हैं क्या उनको भी बहुत से बच्चे कर रहे थे कमेंट कि जिन छात्रों के मतलब मेरे तो अच्छे नंबर्स हैं क्या मेरे भी कम होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका नंबर्स कम हो जाएगा या आपका नंबर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कम होने के चांसेस एकदम जीरो हैं। गाइस मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, अगर आपका रिजल्ट जब भी अपडेट होगा जितने भी छात्र हैं आपके रिजल्ट में रिजल्ट नंबर्स बढ़ने के चांसेस 100% हैं, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि आपका नंबर्स कम हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका नंबर कभी नहीं कम होगा। क्योंकि ऐसा मैंने कई बार मैंने देखा भी है कि रिजल्ट नंबर्स बढ़ जाते हैं लेकिन कम होना बहुत रेयर में कभी काल ऐसा हो जाता है कि किसी छात्र का एक दो नंबर से कम हो जाए, लेकिन ऐसा कभी अभी तक मेरे सामने, मैं इतनी साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ लेकिन ऐसा मैंने कभी सुना नहीं है कि किसी छात्रों के नंबर्स कम हुए हैं, लेकिन बढ़ गए हैं ये तो बहुत बार मैंने देखा, लेकिन कम होने का चांसेस एकदम जीरो है। तो आप मत परेशान हो कि आपके तो अच्छे नंबर्स आए हैं तो अगर रिजल्ट अपडेट होगा तो आप सबका नंबर्स कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ आप सोच रहे हो तो ऐसा कुछ मतलब आप मत सोचो। आपका जब भी नंबर्स अपडेट होगा आपका नंबर बढ़ जाएगा लेकिन घटने के चांसेस जीरो है। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए रिजल्ट अपडेट होता है जिन छात्रों के एक नंबर से दो नंबर से तीन नंबर चार पाँच नंबर से बैग लगे हैं उनके लिए फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अभी क्या है वो भी बच्चे परेशान हो चुके हैं। एक नंबर से बैग लग जाएगा जिस दिन आपको ना उस दिन आपको पता चलता है एक नंबर से बैग लगना लाइक बहुत। Hey guys, I have come up with an exciting app, Fillio Tutor app. It is India's most convenient app for tutors. You can earn up to ₹20,000 per month spending only 4 hours a day and connects classes 8 to 12 every hour. You can follow your own schedule, teach students hassle-free anytime and from anywhere. You can just teach any topic you love. If you are good at just one or two topics, you can join Flow and earn as much as you want. You have to help students with doubts, sometimes exam preparation and homework help. You can simply register with your phone number and get verified with your PAN number and become a Flow tutor. Easy monthly payout with extra incentives. जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे. And the Flow app link is in the description box. बहुत ही रिफ्रेश वाली बात है भाई, आपको मैं चीज़ बता दूँ, मेरे को भी एक बार एक नंबर से बैग लगा था तो एक नंबर से बैग लगना यार बहुत डिप्रेस करता है ये बच्चों को। तो अगर एक नंबर से अपडेट है रिजल्ट अपडेट होता है इन सभी छात्रों के अगर नंबर्स बढ़ जाते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी ताकि इन सब के अच्छे नंबर्स आ सके, ये पास हो सके। तो रिजल्ट अपडेट होगा जब भी होगा आपका 24 तारीख के बाद ही हो पाएगा आपका रिजल्ट अपडेट, क्योंकि अभी हाल ही में रिजल्ट अभी देखिए अभी क्या ये आपका जो भी एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन एग्ज़ाम का रिजल्ट बस जल्दी में आपका सेंड कर दिया गया, तो जल्दी में सेंड कर दिया गया, लेकिन आपकी जो रिजल्ट अपडेट है वो बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि सहमत नहीं है, मतलब कि इसको आप अपना सही मत मानिएगा। लेकिन जब आप लोग ने अपने कॉलेज में पता लगाया तो वहाँ से आपको न्यूज़ आए कि आपका रिजल्ट यही रहने वाला है और चेंजेस नहीं आएंगे,
लेकिन जब मैंने कहीं और मैंने बात करा, जब मैंने BTU UP की हेल्पलाइन नंबर से मैंने बात करी, तो वहाँ से मेरे को कुछ निर्णय मिला कि हाँ कि आपके नंबर्स अपडेट हो सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई आपको इशू आएंगे। तो जब मैंने ये भी जानने की कोशिश करी कि सर किन छात्रों के नंबर्स बढ़ेंगे या घटेंगे, ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने भी यही बात बताया कि आपका जो भी नंबर्स है बढ़ सकते हैं, घटने के चांसेज इतने हाई नहीं हैं। तो गाइस आपको परेशान नहीं होना है, अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाओ, सॉरी आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप जाइए, ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको कोई भी परेशानी आएगी मैं आप सबको वहाँ से अपडेट दे दूंगा, वहाँ से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर से लेके बात भी कर सकते हैं। एंड गाइस अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए हैं, तो आपके लिए क्या खुशखबरी आ रही है, तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए यही खुशखबरी है कि इस बार आपके 95% बच्चे ऐसे हैं जो पास होने वाले हैं, एंड 5% ऐसे हैं जो फेल होंगे। जब कल के मैंने एक रिव्यू मैंने डाटा निकाला ये, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो रहे थे, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बस आप रिजल्ट का वेट कर लो। अगर आपका एग्ज़ाम सही से गया है, वार्निंग्स कम आए हैं आपको, तो आपका नंबर्स अच्छे भी आने वाले हैं और फेल होने के चांसेस एकदम लो है। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसी आपका अक्टूबर तक रिजल्ट आ सकता है, 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर के 3-4 अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। एंड मैं आपको बता दूं, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है गाइस, आपको थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है, आपको बस मौज करना है, मौज ही मौज करना है, ओके। एंड अब बात कर ले कि लाइक मैं आपको इनकी बैक पेपर आपका कब से होगा, तो बैक पेपर होने के देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, मैंने हर वीडियोस में यही बताया है, क्योंकि जब मैं कहीं से भी पता लगाता हूं तो सब लोग यही बताते हैं कि अगर देख लीजिए, मतलब 24 को आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है ये ऑनलाइन वाला, तो ऑनलाइन जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसमें क्या रहेगा कि जितने छात्रों के बैग्स लगे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के थ्रू ही आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, क्योंकि BTUP भी चाहता नहीं है कि आप सबका समय लगे, क्योंकि BTUP भी जल्दी जल्दी में ही चाहता है, तो उसके पास अब क्या है, मौका मिल गया है, मौका क्या मिल गया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम करा के सबका ले लेगा, क्योंकि अभी उसमें क्या था कि आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उससे क्या होता है कि मैं आपको चीज़ बता दूँ यहाँ पर, तो पहले क्या होता था कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या दिक्कत आ रहा था कि टेंडर नहीं मिल पा रहा था, तो इस समय क्या है BTUP के पास टेंडर भी है, सब कुछ है, तो एग्ज़ाम कराने में उसको क्या इशू है, जितने छात्रों को बैग लगाया उनका एग्ज़ाम करा के उनका भी समाप्त करके रिजल्ट घोषित कर देगा BTUP क्या। आपको लाइक मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हर कोई भी संस्था हो आपको फेल करने के लिए, आपके लिए कोई गलत काम हो ऐसा नहीं चाहेगी, लेकिन जब ऐसा हो, मतलब जब ऐसा कभी कल हो जाता कि हो जाता है, क्योंकि अभी क्या है जब ऑप्शंस नहीं कोई बचते हैं, तो सिचुएशन जब गलत ही होता है तो वहाँ से कोई भी संस्था क्या कर पाएगी। अभी क्या है BTUP के, अभी बहुत से बच्चे बोल रहे BTUP संस्था लापरवाह है या है वह है, भाई आप भी उसके जगह पे रहते तो क्या करते, जब सिचुएशन नहीं सही है, सिचुएशन सही रहती है तो वहाँ से वो लोग बच्चों को भी चाहते हैं कि सही सब पर निकल जाए, तो जानबूझ से कोई नहीं करता है, लेकिन अब क्या है, अब तो ऑनलाइन एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उनके पास ऑप्शंस हैं, तो आपका 25 से लेके 27-28 तारीख के अंदर आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप सबको मैं बता दूँ, आपका एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी में हो पाएगा। तो थैंक यू गाइज, चैनल पे नए हो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इसके अकॉर्डिंग कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आएगा तो मैं आप सबको अपडेट करा दूंगा। तो बाय, टेक केयर, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय दोस्तों।